जिला तैराकी संघ के प्रधान श्री रजिंदर विज द्वारा लगभग 125 करोड़ की लागत से बन रहे वार हीरो स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रविवार को सनातन धर्म कॉलेज में योनो ऐप को प्रमोट करने के लिए बच्चों की दौड़ करवाई, जहां काफ़ी अधिक बच्चे व अभिभावक समेत बैंक कर्मचारी मौजूद थे। सभी ने कार्यक्रम का आनंद लिया। श्री रजिंदर विज जी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के श्री ललित मोहन उप महाप्रबंधक चंडीगढ़ जोन व श्री संतोष क्षेत्रीय प्रबंधक ने विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया व सभी खिलाड़ियों को रिफ्रेशमेंट दी के बारे में और जितने योगा के हमारे साथी हैं उनके बारे में क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने खुद 30 साल तक स्टेट बैंक में नौकरी करी है और आज कुछ नए और कुछ पुराने साथियों के साथ मिलकर बड़ा अच्छा हुआ। रात को ही मैसेज मिला था और बीमारी के बावजूद भी मैं पूरे 7 बजे यहाँ पहुँच गया। मेरे को आज बहुत खुशी हुई है कि अभी तक मैं शहर में योगा, फुटबॉल, हॉकी और स्विमिंग उनका, क्योंकि मैं प्रेजिडेंट हूँ, उनको प्रमोट करता हूँ। और अब ये सारा जो विश्व है वो सारा डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहा है और स्टेट बैंक का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि वो अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाते हुए, क्योंकि हमने जब बैंक ज्वाइन करा था तब तो लेजर वर्क होता था, अब ये योनो जो इन्होंने ऐप्स प्रमोट कर रहे हैं, ये अच्छा है कि स्कूल कॉलेजों में, मेरी तरफ से सुझाव भी है DGM साहब को कि स्कूल कॉलेजों में जाके बच्चों में इसको जाके प्रमोट करें, किसी की ये ड्यूटी बनाए, कोई नोडल अफसर बनाए ये इस काम के लिए, क्योंकि बच्चों में जब ये भावना पैदा होगी तो जो आज फ्रॉड हो रहे हैं, योनो का मेन मकसद ये है कि जो फ्रॉड ATM पे होते हैं, अगर आप अपने मोबाइल से कैश निकालते हैं तो ये फिर फ्रॉड आगे से नहीं हो पाएगा, जिसमें बैंक की और जो कस्टमर है दोनों की सुरक्षा। आपको मालूम है कि 6 महीने में बैंकों में 95,000 करोड़ के फ्रॉड हुए हैं, तो वो लोग और बैंक दोनों बच सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए मैं इनको साधु पा देता। जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक है वो भारतीय स्टेट बैंक है, आप इसके बारे में बताएंगे कि आप किस पद पर कार्यरत हैं और क्या आप संदेश देना चाहते हैं पब्लिक के लिए योनो के बारे में? मैं ललित मोहन, भारतीय स्टेट बैंक में DGM के पद पर कार्यरत हूँ। पंचकूला ऑफिस से हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, साथ में हमारे संतोष सिंह रीजनल मैनेजर और विज साहब, जो कि आज हमारे मॉर्निंग उत्साहवर्धन के लिए इधर आए हुए हैं। तो आप सभी लोगों का यहाँ पर इस योनो वॉक और ये जो हम लोगों ने आज किया है इसमें सभी स्वागत है। योनो, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक का एक मोबाइल ऐप है जिसमें कि सारी बैंकिंग सुविधाएं योनो ऐप के थ्रू हम लोग दे रहे हैं। तो इसमें इस ऐप को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बैंक की जो कोर वैल्यूज़ में सस्टेनेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट कोर वैल्यू है, जिसमें कि वातावरण और पर्यावरण की हमें सुरक्षा करनी है और कागज़ का कम से कम उपयोग करना है, डिजिटल की तरफ बढ़ना है, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है, तो योनो ऐप उसके लिए एक साधन है इसको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बिना डेबिट कार्ड के आप योनो कैश ATM से कैश निकाल सकते हैं और बैंक के स्टेट बैंक के 55,000 से अधिक ATM हैं जिसमें कि 25% योनो कैश इनेबल्ड हैं अभी, तो बिना किसी डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से आप ATM से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये पब्लिक में इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कि योनो के माध्यम से जो हमारे यंग जनरेशन है उनको आजकल सब डिजिटल सेवी है और अधिक से अधिक मोबाइल्स का इस्तेमाल करती है, तो उनको हम लोग इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए और साथ में अपनी सेहत और उसका ख्याल रखने के लिए सवेरे हम लोगों ने योनो वॉक और एक योनो वॉकथन का आज आयोजन किया है। हमारे अम्बाला क्षेत्र में बैंक की जो रीजनल मैनेजर संतोष जी हैं वो 38 ब्रांचों को देख रहे हैं, जिसमें से 9 ब्रांचेज कैथल की हैं और 2 ब्रांच यमुनानगर की निकाले, तो 27 ब्रांचेज जो अम्बाला ज़िले की हैं वो हमारे सभी लोकल शाखाओं के शाखा प्रबंधक और उनके सभी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके लिए हमने ये आयोजन किया। धन्यवाद, थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।